अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदेद है आपके अपने YouTube चैनल इस्लामिक मालूमात पे। आज हम आपको बताने वाले हैं जिन्नात, भूत, शैतान वगैरह को सवार करने के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप ये बात अच्छी तरह जान लें कि अगर आप किसी के ऊपर जिसपे शयातीन वगैरह का असर हो, अगर आप उसे हाजिर करना चाहते हैं, उस मरीज पे आप शैतान को सवार करना चाहते हैं, तो आपकी ज़बान में सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आपकी ज़बान में असर होना ज़रूरी है, यानी आपका पाबंदे शरा होना लाजिम है। तो आप सबसे पहले मरीज़ को नहला लें, फिर अगरबत्ती खुशबू उसके साथ किसी जगह पर बैठा दें और याद रहे कि मरीज़ का रुख किबला की जानिब है। फिर मरीज़ नक्श लेकर मुट्ठी बांध लें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब आप मरीज के सामने ये दुआ पढ़ते रहें। ए अशरफ़े ज़माना, ज़मानाए मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज, कलीदे करम कुशा। हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह व हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल आयन रहमतुल्लाहि अलैह व मुवक्किलों को दे। फिर सात मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बाआवाज़ बुलंद ये अज़ीमत पढ़ते रहें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यानी अज़ीमत अलैकुम या शाहे अख्तानोश मा अफवाज खुद हाजिर शुद बहक हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम रा। अजीमत जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। फिर मरीज से पूछें, कोई भयानक सूरत तो नज़र नहीं आती है? अगर नहीं तो अजीमत और जल्दी जल्दी पढ़ें और हाजिर शुद के लफ्ज से डांट लगावें। इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो भी शैतान या जिन्नात या खबीस जो कुछ भी होगा, जहां कहीं भी होगा, इंशाअल्लाह वो आकर हाजिर होगा। और जब तब तक आपको ये अजीमत पढ़ते रहना है जब तक कि वो हाजिर ना आ जाए। जब हाजिर हो जाए आप उसके सामने बातचीत करेंगे, जो कुछ पूछना है या जो कुछ उससे कबूल करवाना है वो सारी बातें आप कर लें। बाद हुआ आप उससे दुआए सैफी पढ़कर भगा दें और यही अजीमत सरसों तेल पर 41 बार पढ़कर दम कर दें और मरीज को दे दें कि वो रोज़ाना मालिश करें। इंशाअल्लाह दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है। मैंने न जाने कितने मरीजों को इन सारी तफसीलात के ज़रिए जो आपको बताया, इससे कितने मरीज़ों को दुरुस्त किया है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप वीडियो को शेयर करना ना